हाय गाइस, मेरा नाम है तनुज बिरवानी और आप मेरे म्यूजिक लॉन्च पे हो आज वन नाइट स्टैंड की, जो 29 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। सर, देखा है वन नाइट स्टैंड, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो ये एक अडल्ट ड्रामा है जहाँ पे हम इसके बारे में बात करें कि अगर एक आदमी और औरत के बीच में एक वन नाइट स्टैंड हो जाता है और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में और उनके परिवारों की ज़िंदगी में कैसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है और कैसे मुश्किलों से उन लोग घटते हैं, तो दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट। हाँ, मेरा कैरेक्टर का नाम है उर्विल राय सिंह एंड ये एक बहुत ही करियर ओरिएंटेड सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, पर इनका एक वीकनेस है विच इज़ विमेन, तो इसका कभी एक से पेट भरता नहीं है, तो उसके वजह से इसकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें पैदा हो जाती है। इसके पहले मेरे दो फिल्म आ चुकी है, ये मेरी तीसरी फिल्म है। सनी के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, वो बहुत ही अच्छी है काम करने में और बहुत ही प्रोफेशनल है और हेल्पफुल है, यानी कि इस फिल्म में काफ़ी मुश्किल सीन्स थे हम दोनों के और इस फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सीन्स उनके साथ ही थे, तो बहुत मज़ा आया एंड काफ़ी इंटेंस था। सर, ये मूवी मिली कैसे, इसकी स्टोरी? एक सवाल, या ये मूवी आपको मिली कैसे? इसके लिए मैंने स्क्रीन टेस्ट किया और प्रोड्यूसर्स को मेरा काम पसंद आया और इसलिए मैं इस फिल्म में हूँ। सर, वन नाइट स्टैंड, ये नाम ही देखा जाए तो जी, तो फिर इससे रिलेटेड कुछ हेजिटेशन नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज मेरे ख्याल में जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक सही चॉइस है और रोल भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आपने अभी ट्रेलर में देखा, मैं काफ़ी हूँ ट्रेलर में, अच्छा रोल है, काफ़ी शेड्स ऑफ ग्रे है कैरेक्टर में, तो मज़ा आ गया। सर, देखा जाए तो इनके इस मूवी के सॉन्ग्स के बारे में बात की है, तो सॉन्ग्स पब्लिक को कुछ ज़्यादा? हाँ, तो काफ़ी अलग अलग किस्म के गाने हैं हमारे फिल्म में, यानी कि पार्टी नंबर्स भी है जैसे दो पैग मार और ये जो सुट्टा सॉन्ग, और रोमांटिक गाने भी है की करा और जो अभी आदत जो है, तो मेरे ख्याल में ये वेल राउंडेड एल्बम है और सबके लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसमें आपको फेवरेट सॉन्ग कौन सा? मेरे फेवरेट गाना, वेल सभी अच्छे हैं पर सबसे फेवरेट गाना है ले चला। दो गाने बोलना देंगे? नहीं, मैं सिंग नहीं करता, सॉरी। ऑडियंस के लिए? नहीं। My mom was actually very happy and all. See, the thing is, she never stops me from making my own decisions. And पहले दिन ही सेट पर आए और एक बार सेट पर आ गए तो उन्होंने देखा कि अच्छा सेटअप सब सही है, सब बराबर से काम कर रहे, तो अच्छा गया, तो शी इज़ वेरी हैप्पी एंड होपफुली आई विल मेक हर प्राउड आफ्टर दिस फिल्म। नो, आई मीन शी वाज लाइक एंड आई एम लाइक नो मॉम, बट कहानी अच्छा है, इट्स वेरी गुड एंड ऑल, सो देन शी लाइक अच्छा नो बेटा करो। She is not in India actually, she is with my Masi in Europe, she is going to be back on Saturday, so you will see her at whatever upcoming events and screenings and premiere and all. Yes, she'll be there, unfortunately, yeah, but she is there, like she recorded a nice video message and sent me, so I felt very emotional after seeing it. Yeah. See, the thing is, it also depends at what juncture of your life you're in. Like, as you found out right now from the trailer, my character's married. So obviously, if you're married, I would not recommend it to anyone, because I think that's unfair to your partner and that will cause a lot of heartache. But if you're single and you want to have some fun in life, I don't see any harm in it, as long as both the parties are on the same page. Yeah, you know, it takes two hands to clap. Yeah. Upcoming projects. अभी तो मैंने कुछ साइन किया नहीं है, तो होपफुली इस फिल्म के बाद एक दो अनाउंसमेंट आएंगे। थैंक यू सो मच। व्हाट इज योर स्टैंड आफ्टर दिस? आई डोंट नो, लेट्स सी।